शादी जोड़ों में होता है, किन्नरों में नहीं, जिनकी मर्यादा किन्नरों से जुड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शादी के बाद उनके मामा के द्वारा जो ओछे बयान आए हैं उसको लेकर अब राजद जो है वो काफी, या यूं कह ले कि राजद के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने भी बयान दिया है, प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके के ओछे बयान जो होते हैं उनसे लोगों को बचना चाहिए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर ऐसे ओछे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति यादव है। सर, बीते दिन साधु यादव के द्वारा जो बयान आया है उसको लेकर भी काफी राजद में भी गर्मा गर्मी का माहौल है, कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कि लोकतंत्र में और सामाजिक जीवन में शब्दों की मर्यादा और शब्दों के चयन संस्कार को बताता है कि आपके संस्कार कितने उज्जवल हैं। आप जब मर्यादा खोते हैं तो आपके अतीत उसमें खुल करके सामने दिखाई देता है, वो अतीत जो अतीत कहीं न कहीं बिहार के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए अभिशाप बना था। सामाजिक जीवन जो होता है बड़ा ही लचीला होता है और लचीलापन सामाजिक जीवन में कायम रखनी चाहिए। असंसदीय आचरण संस्कार को स्पष्ट करता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की शादी सादगी भरी हुई, जोड़ों से हुआ, लड़का लड़की में शादी होता है, अल्पसंख्यक से शादी करना कोई गुनाह है क्या, कोई मनाही है क्या? इंसान का न कोई कुल होता है, न कोई गोत्र होता है, न कोई जाति होता है। लेकिन देखिए, पूर्व सांसद और इस तरह की ओछी शब्दों का यूज करेंगे, उनकी बात अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग करेंगे तो क्या लगता है कि उनकी छवि अच्छी बने? एक बात जान लीजिए, जिनको अपने अतीत का अवलोकन करने का ज्ञान नहीं है तो एक बार जिस समाज से हम आते हैं, जिस पर गर्व करते हैं, यदुकुल पर, यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम के वशीभूत होकर के रुक्मिणी जी को मंदिर से लाया था और रथ पे सवार होकर करके एक मिसाल कायम की। उतना ही नहीं, जामवंत जी को परास्त करके मणि के खोज में गए, जामवंत जी को परास्त किया और जामवंती से विवाह करके मिसालें कायम की। उससे आगे बढ़िए, बाणासुर की बेटी उषा जिससे अनुरुद्ध प्रेम करते थे, बाणासुर को परास्त करके कई भुजाओं को समाप्त करके द्विभुज बना कर करके उनको अपने अधीन कर करके और उषा को ला कर करके अपने पुत्र वधू बनाया। जरासंध की दो बेटियां, एक की शादी शिशुपाल से, एक की शादी कंस से, यह बताने की जरूरत नहीं है। शादी जोड़ों में होता है, किन्नरों में नहीं, जो किन्नर की भाषा बोलते हैं, जिनकी मर्यादा किन्नरों से जुड़ा हुआ है, वो कम से कम शादी पर प्रहार किसी को नहीं करने चाहिए। यह नित्य अपना निजी फैसला है, निजी जीवन जीना है, हमको जीना है, कैसे जिएंगे? कोई बताए इतिहास के पन्नों में, हमें कोई बता दे ना कि इतिहास में किन पंक्तियों में धार्मिक इतिहास में लिखा है। मत कहता है, धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि अगर युवा और युवती का मत एक है, सिद्धांतिक तौर पर दोनों की सहमति प्राप्त है तो न कुल खोजा जाता है, न गोत्र खोजा जाता है, लड़के और लड़की की रजामंदी खोजी जाती है। यही धर्म है और व्यक्ति अपनी प्रतिबद्धता को अक्षरशः अगर जीवन में लागू करता है तो व्यक्ति महान होता है, उसका व्यक्तित्व तो बड़ा हो जाता है। डॉक्टर लोहिया ने जी ने जाति तोड़ो और समाज जोड़ो की जो नारे दिए थे, अपने पुरखे के आदर्श को कायम करने वाले व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव जी है। तो ये थे हमारे साथ शक्ति यादव, जिन्होंने साधु यादव को नैतिकता की पाठ पढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ओछे शब्दों से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते दिन तेजस्वी यादव पर उन्होंने टिप्पणी की है, लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे डीटीवी भारत। नमस्कार।